राज्य सरकार द्वारा पंचायत चुनाव में विलम्ब करने के खिलाफ प्रदेश भाजपा के द्वारा राज्य भर के सभी प्रखंड मुख्यालयों में एक दिवसीय धरना दिया गया। साथ ही अंचलाधिकारी के माध्यम से राज्य के राज्यपाल के नाम मांग पत्र भी सौंपा गया। गौरतलब हो कि विगत अक्टूबर माह में ही पंचायत चुनाव तय समय से था, लेकिन अब तक चुनाव की घोषणा नहीं की गई है। इसके खिलाफ राज्य भर में भाजपा आंदोलन कर रही है। जमशेदपुर प्रखंड मुख्यालय के समक्ष भी जिला भाजपा द्वारा एक दिवसीय धरना दिया गया, जिसमें जिले में सांसद समेत तमाम भाजपा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद थे। इन्होंने राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की, जिसे सांसद विद्युत वरण महतो ने कहा कि संविधान के अनुसार प्रत्येक 5 वर्ष में चुनाव होना चाहिए, जिससे कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा न मिले। लेकिन राज्य सरकार जानबूझकर पंचायत चुनाव राज्य में नहीं करवा रही है। इसके खिलाफ भाजपा राज्य भर में आंदोलन कर रही है ताकि राज्य सरकार जल्द से जल्द पंचायत चुनाव की घोषणा करे। देखिए, कल हम लोग भारतीय जनता पार्टी संविधान दिवस मनाए। पूरा देश, हर एक व्यक्ति जो संविधान के दायरे में आते हैं, और संविधान कहता है कि हर 5 साल में चुनाव हो, मेरा ही संविधान कहता है। आज पंचायत बहुत बड़ा, क्योंकि भारत जो है गांव में बसा हुआ है, और पंचायत बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि आज देखिए 90% से ऊपर जो है भारत सरकार की योजना ये पंचायत के माध्यम से होता है। तो आज जहाँ पर पंचायत को निगरानी करने वाला, विकास करने वाला कोई नहीं रहेगा, तो अधिकारी का नियंत्रण में आए। अधिकारी जो है आप जानते हैं कितना समर्पित रहता है लोग, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि भ्रष्टाचार ना हो, आम लोगों का काम बेहतर ढंग से चले, उसके लिए जनप्रतिनिधि का आवश्यकता होता है, विकास के लिए भी, निगरानी के लिए भी। इसलिए पंचायत चुनाव अति आवश्यक है। ये अक्टूबर में होना था, लेकिन आज देखिए दिसंबर आ रहा है। हम लोग चाहते हैं कि समय पर चुनाव हो। फरवरी में आपका आम बजट भारत सरकार पेश करेगी, मार्च तक पैसा आ जाएगा। अगर चुनाव नहीं होगा तो काम कैसे होगा? इसी इशू को लेकर हम लोग आए हैं, ताकि समय पर सरकार चुनाव हो, सरकार सोए नहीं, समय पर पंचायत चुनाव कर दे, ताकि आम जनता अब त्राहिमाम कर रहा कि पंचायत में मुखिया का कोई वैल्यू ही नहीं रहेगा, तो कुछ भी काम नहीं कर सकता।